पाप करवा देगा और पाप करवाने के बाद में भोगना पेट को नहीं पड़ेगा, भोगना इस पीठ को पड़ेगा, भोगना इस पीठ को पड़ेगा। मत पूरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पेट पाप करा देता, पेट छल करवा देता, पेट बेईमानी करवा देता, पेट कपट करवा देता। पेट का काम है पाप करवाने का, झूठ बोलने का कि कैसे भी मैं भर लूं अपने पेट को। पर भोगना पेट को है, भोगेगी पीठ और पीठ जब भोगती है तो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर्म करा जो मुझे भोगना पड़ा। इधर पीठ सोचती है कि मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मुझे भोगना पड़ा, कारण क्या है। और पीठ को ये मालूम नहीं है कि पेट ने झूठ बुलवा दिया है, पेट ने बेईमानी करवा दी है, पेट ने छल करवा दिया है, पेट ने प्रपंच करवा दिया है। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पेट देने वाले ने पेट दिया है, उसको भरने के लिए भी उसने साधन बनाए हैं, और वो साधन उसने जो बनाए हैं वो जनमानस के कल्याण के लिए बनाए। मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं उसी तरह आपकी जिंदगी का पर्चा मेरा महादेव पढ़ लेता है। आपके रोग को कैसे मिटाया जाए, जैसे दवाई का पर्चा मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं उसी तरह आपकी जिंदगी का पर्चा मेरा महादेव पढ़ लेता है। मेडिकल वाले को मालूम है कि दवाई में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है इसमें, क्या इसमें लिखा गया है, क्या चीज का वर्णन आया है, तो दवाई वाला तुरंत दवाई निकाल कर दे देता है कि ये दवाई में ये चीज ले लो और इस चीज से इसका आराम लग जाए। जैसे मेडिकल वाला भी कहता है, आपने जाकर कह दिया कि साहब हमारा पेट दुख रहा है, हमारा सिर दुख रहा है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, तो उसने दवाई निकाल कर दे दी, उसने दवाई निकाल कर आपको। उसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेडिकल वाले ने केवल सुना और सुनकर आपको दवाई निकाल कर दे दी, और आपने वो दवाई मेडिकल वाले से पूछा इसको कैसे लेना है, उसने कहा साहब इसको पानी से ले लेना, इसको दूध से ले लेना, इसको सुबह ले लेना, इसको शाम को ले लेना, उसने समझाया, उसने कहा बस भोलेनाथ और मेरा बाबा, मेरा गुरु सतगुरु, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े माता पिता, और घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, या मेरा भोलेनाथ होता है, वो आपके
चेहरे की मात्र दशा देखकर पहचान जाता है कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, ये क्यों दुखी है, इसको क्या कष्ट है, इसको तकलीफ क्या, इसको कष्ट क्या। क्यों जाए हम शिव मंदिर, कारण क्या है, एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ कटिंग करवा रहा था। नाई बोला जा रहा, पहले राजनीति पर आया, फिर धर्म नीति पर आया, फिर वापस राजनीति पर आया, फिर उसने कहा दुनिया के लोगों में तो अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, जबरदस्ती के शिव मंदिर जाने में लगे हुए हैं, महाराज के चक्कर में पड़े हुए, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहाँ दो दो तीन तीन घंटे तक बैठकर। उसने कहा दूसरे ने कह दिया भाई देखो भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से, गुरु के दरवाजे जाने से, परमात्मा की चौखट पर जाने से दुख कट जाता, इसलिए दुनिया के लोग कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में आते हैं। अगर भगवान है, नाई फिर बोला, अगर भगवान है तो फिर जब वो घर में पड़ा हुआ है तभी क्यों नहीं दुख काट देता, दुकान पर बैठा हुआ है तो दुख क्यों नहीं काट देता, कथा में जाएगा तभी दुख कटेगा, सत्संग में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, कीर्तन में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, भगवत नाम में पहुंचेगा, मंदिर पहुंचेगा तभी दुख कटेगा। तो जो व्यक्ति दाढ़ी कटिंग बनवा रहा था वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, खड़े रहने के बाद उसने पागल से व्यक्ति को देखा जो सामने से निकल कर जा रहा था। नाई से कहा भैया उसके बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तुम उसके बाल काट दो। नाई कहता है मैं इसे बाल नहीं काट सकता, वो मेरे पास में आएगा दुकान पर आकर कहेगा कि तुम बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा, मैं उसके पीछे जा जाकर बाल नहीं काटूंगा, मैं उसके पीछे जा जाकर उसकी कटिंग नहीं करूंगा, मैं उसके पास में जाकर कटिंग नहीं करूंगा, वो मेरी दुकान पर आएगा और मुझसे कहेगा कि बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा। उस व्यक्ति ने कहा बस परमात्मा भी है, वो भी कहता दुनिया के लोग कहते हैं दुकान पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, घर पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, कहीं बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, तो वो दुख कटने वाला नहीं है, वो दुख जब कटेगा जब हम भोलेनाथ जी की शरण में, विठल की शरण में, हरि विठल की शरण में, स्वामी समर्थ की शरण में, जब सतगुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु उस दुख को काट देगा, ये निश्चित है। दुख कटेगा। मैंने तेरे लिए भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा में जुड़ती आवानी बाबा डोर तू छी नामी कटी जावानी भोले मैं तेरी मदन शंभो मैं तेरी मदन तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, हम चले जाए उसकी चौखट, हम चले जाए उसके दरवाजे पर, फिर वो दुख काटे ना काटे।